आज का इस वीडियो में बताने जा रहे हैं व्हाइट चर्कल फ्रेंसी के बारे में, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज में 2-3 मेंबर्स ने कमेंट किया था कि कौन सी व्हाइट चर्कल पेंसिल यूज करना चाहिए और कौन सी पेंसिल ज्यादा बेटर है। चलो देखते हैं आज कौन सी अच्छी है। आज में 2 चर्कल पेंसिल का रिव्यू करने जा रहे हैं। पहले नंबर पे आते हैं मडमट कंपनी का पेंसिल, जो मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है, इसका प्राइस है 230। और दूसरे में आता है पियानियो का सीसे पेंसिल, जो मैंने ऑनलाइन से बाय किया था। पहले नंबर पे आते हैं हमारे मडमट का पेंसिल, व्हाइट चार्कोल पेंसिल, देख लीजिए आप सब। दूसरे नंबर पे आते हैं पियानियो का व्हाइट चार्कोल पेंसिल। आप सबको 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग होता है या नहीं, दूसरे नंबर पे ठीक ठाक इरेज होता है या नहीं, तीसरे नंबर पे है इसका स्मूथनेस। तो हाँ, पहले शेडिंग करते हैं। अब दूसरे में शेडिंग करते हैं। अब हम ब्लेंडिंग करने जा रहे हैं। हमारे पास एक गियर बैट है, उससे ब्लेंडिंग करते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि ब्लेंडिंग करके हमें ये देखने मिल रहा है कि मॉनमेंट का जो पेंसिल है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो अब हम इरेज करने जा रहे हैं। इरेजिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं टॉम्बो मोनो 0B इरेजर। अब हम यूज करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना स्मूथ इरेज हो रहा है दोनों में। इरेजिंग के मामले में हमें तो दो ही सेम लग रहा है दोनों पेंसिल सेम ही है। तो फिर से हम एक शेडिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसका डस्ट किस तो निकलता है और नहीं। पहले हम पियानियो का पेंसिल यूज कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत ज्यादा डार्क निकल रहे हैं। दूसरे में हम ले रहे हैं मॉनमेंट का पेंसिल, शेडिंग करते हैं और आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें डस्ट एकदम कम निकल रहा है और बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो इस कंपैरिजन में मैं रिकमेंड करूंगा मनमेट का पेंसिल। सभी कंपैरिजन में देखने मिला कि मनमेट का जो पेंसिल है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बट बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके बजट ज्यादा है तो आप ये पेंसिल खरीद सकते हैं, और आपके बजट थोड़ा कम है तो आप ये भी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और बेल आइकन पर जाके ऑल पे टैप करना।